आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बात करते हैं वेदर अपडेट को लेकर। राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहने के आसार हैं। 25 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 28 से 30 अप्रैल के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन 3 दिनों के दौरान लू चलेगी और तेज धूप भी रहेगी। दिन भर मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 2021 और 2020 में 24 अप्रैल के दिन यह 33.6 डिग्री और 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने और बारिश नहीं होने से इस बार अप्रैल महीने में तापमान अधिक है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 अप्रैल को कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, वहीं कहीं कहीं धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ मामूली बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 26 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस बार ये 5 से 6 डिग्री तक अधिक रहेगा। वहीं 28 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2 दिनों में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलेगा। वहीं अगले 24 घंटों की बात करें तो कुछ ऐसा ही हाल विदर्भ और गंगीय पश्चिमी बंगाल में भी रह सकता है। इसके अलावा अगले 5 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का नाम शामिल है। अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तेलंगाना में बारिश हो सकती है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं IMD के अनुमान लगाया गया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ छींटे और बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा 25 अप्रैल 2022 को पंजाब और हरियाणा के आसपास के मैदानी इलाकों में भी आंधी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर ये बना है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और इससे सटे छत्तीसगढ़ पर भी बना हुआ है। इसके साथ ही एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र से आंतरिक कर्नाटका से मानार की खाड़ी तक ये फैली है। वहीं अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।